चलिए दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की हम बात कर रहे हैं। अगर हमने एक प्रोजेक्टाइल को यू की स्पीड से थीटा के एंगल पे फायर किया है तो हम उसमें ये मोशन इन टू डायमेंशन होगा और उसके मोशन को हम दो ये मान सकते हैं कि इसका जो मोशन है वो दो 1D मोशनों से मिलकर बना हुआ है। एक्स डायरेक्शन में इसमें एकदम इंडिपेंडेंट 1D मोशन है और वाई डायरेक्शन में इसमें एकदम इंडिपेंडेंट 1D मोशन है। एक्स डायरेक्शन में हमने पढ़ा कि इसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है। तो एक्स डायरेक्शन में तो एक इक्वेशन ये है कि vx = ux, फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में और इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में जीरो है। तो सेम है, सॉरी x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है तो vx = ux = u cos theta और बस डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है ux into t, तो दिस इज u cos theta into t। ये अगर मैं y डायरेक्शन के 1D मोशन की बात करूं तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हम प्लस u मान रहे हैं, इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना, ये हमारी फर्जी है। तो पत्थर को अगर आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो मोशन रिटार्डेड तो है ही, तो ए वाई को माइनस जी मान लीजिए। तो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो धीरे धीरे कम होगी, जैसे जैसे पत्थर ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो वी वाई यू साइन थीटा माइनस जी थी एक अच्छी इक्वेशन आ जाएगी। अगर आप एम वनडी वाई डायरेक्शन में देख रहे हैं तो वी वाई स्क्वेयर यू वाई स्क्वेयर माइनस टू जी वाई, ये भी एक बढ़िया इक्वेशन आ जाएगी। अगर वो पूछता है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y के बाद वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, सवाल में ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि उसने वेलोसिटी मांगी है कि वर्टिकल कि हॉरिजॉन्टल। ऐसा आप क्लियरली दीजिए कि न्यूमेरिकल्स ऑलवेज चेक वेदर, ऑलवेज डबल चेक वेदर वी हैव टू कैलकुलेट वी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी और वेलोसिटी। सवालों में इस बात का हमेशा ध्यान दें कि हमें कौन सी वेलोसिटी निकालनी है, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल की खाली वेलोसिटी। जब सवाल कहता है खाली वेलोसिटी तो उसका मतलब होता है रिजल्टेंट वेलोसिटी। ऐसा लिख दीजिए, वेलोसिटी अलोन ऑलवेज मींस रिजल्टेंट वेलोसिटी। अगर सवाल आपसे कहता है कि वेलोसिटी निकाली है तो उसका मतलब होता है आप रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालिए। ठीक है भाई, जो वेलोसिटी होती है रिजल्टेंट वाली होती है vx i कैप प्लस वी वाई जे कैप। अगर मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी की इक्वेशन आपको लिखा हूं इसमें ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में रिजल्टेंट वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, ये नया फॉर्मूला अच्छा आ रहा है आपके सामने। वी एक्स को तो आप लिखोगे यू एक्स ही, हो जाएगा यू कॉस थीटा आई कैप और वी वाई हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस थ्री टी जे कैप। अगर कहता है टाइम टी के बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बताइए तो आपका यही जवाब है ये। अगर टाइम टी के बाद कहता है वर्टिकल वेलोसिटी बताइए तो आपका ये जवाब है। और अगर वो कहता है टाइम टी के बाद वेलोसिटी बताइए, उसने कुछ भी नहीं कहा आगे पीछे कौन सी, तो उसका हमेशा मतलब है रिजल्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी, नहीं तो आप स्पेसिफाई कीजिए कि हॉरिजॉन्टल मांग रहे हैं कि वर्टिकल मांग रहे हैं। तो ये है, फिर वी एक्स ये ले लिया मैंने, ये ले लिया और मैंने इस डायरेक्शन को प्लस ये माना है, बस ऐसी बात है। तो इसी तरह अगर हम y की बात करें तो y हो जाएगा u y t माइनस हाफ a y t स्क्वायर मतलब प्लस हाफ a y t स्क्वायर, तो y हो जाएगा u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ g t स्क्वायर। ये y की इक्वेशन। अब ये y और t की इक्वेशन है तो इस इक्वेशन को कहा जाता है कि ये y डायरेक्शन में 1D मोशन की इक्वेशन, ये y डायरेक्शन में 1D मोशन की इक्वेशन। और अगर आपको रिजल्टेंट पाथ की इक्वेशन निकालनी है तो उसे ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन कहते हैं। और ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन को याद रखिए, ट्रेजेक्ट्री के नाम में आ रहा है टी रिजेक्ट री, टी को रिजेक्ट कर, ट्रेजेक्ट्री ये टी को रिजेक्ट कर री। अगर तेरे को डेरिवेशन करना है री तो टी को रिजेक्ट कर। मेरे पास एक्स की इक्वेशन है ये, मेरे पास वाई की इक्वेशन है,
ये अब फर्स्ट इक्वेशन से टी की वैल्यू निकाल के सेकंड में डाल दीजिए तो दोनों इक्वेशन से टी एलिमिनेट हो जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगी y = x tan थीटा माइनस आप जी टी स्क्वायर, जहां मैं टी को x बाय रूट कॉस थीटा डाल दूंगा। ये मेरी एक इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन है और ये फाइनली थर्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन है 1D मोशन की x डायरेक्शन में, अगर मुझे टाइम टी के बाद डिस्प्लेसमेंट निकालना हो। ये इक्वेशन है 1D मोशन की y डायरेक्शन में, अगर मुझे टाइम टी के बाद वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना हो। और ये इक्वेशन है ट्रेजेक्ट्री की, जिसमें टी नहीं आता, मुझे यहाँ से टी एलिमिनेट कर देना होगा। y की इक्वेशन आएगी x tan theta माइनस हाफ g x बाय रूट कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये इस इक्वेशन में सिर्फ y और x आते हैं, ये रिजल्टेंट पाथ की इक्वेशन है, जैसा कि आपको आंख से दिखता है। ये ग्राफ आपको आंख से नहीं दिखता, ये ग्राफ आपको आंख से नहीं दिखता, ये ग्राफ आपको आंख से दिखता है। जैसा मोशन स्पेस में हो रहा है वो आपको इस इक्वेशन से दिखेगा, जिसमें x के वेरिएशन के साथ y में वेरिएशन किस तरह से हो रहा है वो इस जानकारी इस इक्वेशन से नजर आ रहा है। ये रिजल्टेंट 2D पाथ की इक्वेशन है, जहां जो 2 डायमेंशनल पाथ है, रिजल्टेंट 2D पाथ की ये इक्वेशन है। और ये सारी इक्वेशन अच्छी है, न्यूमेरिकल्स के भी काम आएंगे। और ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन तो थोड़ी सी कठिन भी है, तो हो सकता है कि वो डायरेक्टली चार ऑप्शन दे दे और आपसे पूछे कि आप बिफोर है ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या। तो सारे फॉर्मूले आपको बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। अब हम यही हेडिंग दे दीजिए, इसका पाथ समझते हैं। लिख दीजिए पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल। तो ये जो इक्वेशन आई है ना मेरे पास, इसके पाथ की इस पाथ को हम लिख सकते हैं कि दिस इज ऑफ द फॉर्म, दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है इसमें आप इस चीज को अगर a कह दें तो ये टर्म हो जाएगा ए एक्स, और इस पूरी चीज को अगर आप b कह दें, ये b है और ये x स्क्वायर है, मेरा सिर्फ x के पावर्स पर ध्यान है, यहाँ ए एक्स का टर्म है और यहाँ बी एक्स स्क्वायर का टर्म है। ये ग्राफ पैराबोला आता है, लिख दीजिए ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन is called parabola। जहां भी y, ऐसा मैं पढ़ा था y proportional to x square आ जाए तो parabola होता है जो y axis की तरफ झुकता है। अगर x proportional to y square आ जाए तो ये parabola होता है जो कि x axis की तरफ झुकता है। ये भी parabola है, ये भी parabola है, प्यारा सा बोला है, ये भी प्यारा बोला है और ये भी प्यारा बोला है, parabola ax minus bx square, ये भी parabola है। इसका ग्राफ मैं थोड़ा सा हल्का सा समझ सकता हूँ आपके सामने। देखो y is equal to ax का ग्राफ ऐसा है, y is equal to mx है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ ओरिजिन। और y is equal to अगर मैं बी एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊ ना, वाई इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊ, प्लस माइनस नहीं, वाई इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर, ये ऐसा जाएगा। जरूर अगर मैं माइनस बी एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊ, अगर मैं वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊ, तो ये ग्राफ ऊपर जाने के बजाय नीचे चला जाए। ये समझना हमारे लिए ज्यादा आवश्यक नहीं है, रटना हमें आसानी से समझ में आता है। अगर हम इसे समझाने की कोशिश करेंगे ग्राफ का शेप कैसे बन रहा है, क्या आ रहा है, हालांकि मेरे पास और बेटर मेथड्स भी हैं, मैं आपसे भी बात करूंगा। पर y is equal to mx is a straight line graph passing through origin, तो ax का ये ग्राफ बनेगा, bx square का ये बनता ग्राफ y की तरफ झुकता, और माइनस bx square में ये सारी चीजें नेगेटिव कर दो, ये ग्राफ नीचे की तरफ से बन रहा है। अब मुझे ax minus bx square का ग्राफ बनाना है,
तो मैं इन दोनों का रिजल्टेंट बनाऊंगा, मुझे ये ax वाला ग्राफ हो गया और ये माइनस px स्क्वायर का ग्राफ हो गया, ये मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट बनाना है। और मेरे ख्याल से इन दोनों का रिजल्टेंट जब आएगा ना, तो ये ग्राफ इस वाले टर्म की वजह से ऊपर उठना चाहेगा और इस वाले टर्म की वजह से नीचे गिरना चाहेगा। ओवरऑल ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ये ax वाला ग्राफ है और ये माइनस dx स्क्वायर वाला ग्राफ है, और ये तो पूरा ax माइनस dx स्क्वायर वाला ग्राफ है। हमने इसे समझने की कोशिश की, पर आपका सारा ध्यान बेसिकली इसी पे फोकस रहे। हाँ, अगर आप समझ रहे हैं कि ये रिलेशन के लिए अच्छा था कि y0 तो mx वाला ग्राफ आपका रिवाइज हुआ, तो सुन लीजिए y इस ग्राफ को अगर आपने रिवाइज किया कि हाँ यार ये पैराबोला है और y एक्सिस की तरफ झुक रहा है, तो आप सुन लीजिए। उसके बाद आप इस पे और इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सीधे इस बात को रटिए कि रिजल्टेंट पाथ ये होता है। और मुझे इस ग्राफ को पहचानने में प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि जमीन से खड़े होकर पत्थर हमने फेंका है जिंदगी में 500 बार और वो हमेशा ऐसे ही लैंड करता है। ये बात हम जिंदगी भर से देखते आए हैं, इसलिए हमें इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसे हमें आसानी से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जो रिजल्टेंट पाथ है उसका ग्राफ आप पहचानते हैं कि पत्थर पहले ऊपर जाता जाता है और फिर बस वो नीचे आना शुरू कर देता है और उसकी जर्नी ऐसी ही होती। अब मैं ये बात आपको थोड़ा थियोरी से समझाता हूँ, मैंने मैथमेटिक्स से ग्राफ का शेप समझाने की कोशिश की है, अब मैं थियोरी से आपको ग्राफ का शेप समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, एक्स डायरेक्शन में इसका जो मोशन है, एक्स डायरेक्शन में जो इसका मोशन है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मोशन। इस बात का ये मतलब है, आप चाहो तो लिख भी लो थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द ग्राफ, ग्राफ की थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन। ये दोबारा रिवाइज करने लायक है नहीं, एक बार पढ़ने के लिए ठीक है, लिख दीजिए। इन एक्स डायरेक्शन द पार्टिकल अंडरगोज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मोशन। एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल में हो रहा है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मोशन, एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल में हो रहा है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मोशन। Therefore, the particle will undergo equal displacements in equal intervals of time। और बड़ा बड़ा साफ साफ लिख दीजिए अलग इंक से, इन एक्स डायरेक्शन में द पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, देयरफॉर द पार्टिकल विल अंडरगो इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एक्स डायरेक्शन में अगर पहले एक सेकंड में वो इतना चला, तो अगले एक सेकंड में इतना चलेगा, उसके अगले एक सेकंड में भी उतना चलेगा, उसके अगले एक सेकंड में भी इतना ही चलेगा, उसके अगले एक सेकंड में भी उतना ही चला। x डायरेक्शन में 1d मोशन तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला है। अब हम y डायरेक्शन में इसके मोशन को इंडिपेंडेंटली इमेजिन करते हैं और फिर रिजल्टेंट पाथ प्लॉट करेंगे। असल में दीजिए, इन y डायरेक्शन द मोशन इज रिटार्डेड। वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन रिटार्डेड है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है जबकि एक्सीलरेशन डाउनवर्ड्स है, तो नेगेटिव एक्सीलरेशन मतलब रिटार्डेशन, द मोशन इज रिटार्डेड। इसलिए क्या होता है, जब पत्थर ऊपर जाता है ना, तो आप सक्सेस ऊपर रिटार्डेड मोशन है तो इट इज स्लोइंग डाउन। लिख दीजिए, इन अपवर्ड जर्नी द पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन। अपवर्ड जर्नी में द पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन। अपवर्ड जर्नी में द पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन। फिर वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है, वहां उसकी वेलोसिटी जीरो होती है और फिर वो वापस नीचे आना शुरू कर देता है, और जब वो नीचे आ रहा होता है तो इट इज स्पीडिंग अप। ऐसे ही लिख दीजिए, इन द रिटर्न जर्नी इट इज स्पीडिंग अप। हम रिटर्न जर्नी को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, थोड़ा सा मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी जा रहा हूँ इस समय से समझाने के लिए। अगर आप स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इस डिस्कशन को आप स्किप कर दीजिएगा,
अंडरस्टैंडिंग के लिए तो खैर अच्छा ही है, प्यारा डिस्कशन है। देखिए जब पत्थर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो आप गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स की वजह से जानते हैं कि सक्सेसिव इक्वल इंटरवल्स में इसके डिस्प्लेसमेंट बढ़ते चले जाएंगे 13579 के रेशियो। हम रिटर्न जर्नी की ही बात करते हैं। देखिए इन द रिटर्न जर्नी द डिस्प्लेसमेंट्स in successive equal intervals of time are in the ratio, in return journey the displacements rather distances की बात करते तो ज्यादा अच्छा होता। स्ट्रेट लाइन है इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क नहीं है और स्पीड में और वेलोसिटी में फर्क नहीं है। अगर आप खाली रिटर्न जर्नी की बात कर रहे हैं तो अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हो रही है तो हाँ स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग चीजें हैं और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग चीजें हैं। पर अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी की जगह स्पीड और स्पीड की जगह वेलोसिटी, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट, सब एक ही बात। तो रिटर्न जर्नी में जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में आ रहा है तो उसमें जो डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड हैं इन सक्सेसिव इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन सक्सेसिव इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर इन द रेशियो 1:3:5:7। और उसी तरह से ऑड नंबर्स, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, रिटर्न जर्नी में पहले कम गिरेगा, फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो थोड़ा ज्यादा गिरेगा, फिर उसकी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी तो थोड़ा और ज्यादा गिरेगा। सक्सेसिव इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इसके डिस्टेंसेज या डिस्प्लेसमेंट्स 1:3:5:7:9 के रेशियो में। ओके, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं कि ग्रेविटी में जहां एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करके रखते हैं, अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी सिमेट्रिक है। ये लाइन आप दे दीजिए 4 स्टार और लिख दीजिए। इन ग्रेविटी, और हमें ये कहेंगे नहीं कि इग्नोरिंग फ्रिक्शन, ये हम हमेशा मानेंगे। अगर फ्रिक्शन होगा तो तुम कुछ अलग से बताओगे सवाल में, कुछ भी नहीं कहा गया है तो हम फ्रिक्शन हमेशा इग्नोर ही कर रहे हैं। हम ये बिल्कुल नहीं लिखेंगे कि इग्नोरिंग फ्रिक्शन, स्कूल एग्जाम में तो आपको लिखना चाहिए इग्नोरिंग फ्रिक्शन, और अब हम दोबारा बार बार नहीं बोलेंगे इग्नोरिंग फ्रिक्शन। इन ग्रेविटी द अपवर्ड जर्नी एंड रिटर्न जर्नी आर सिमेट्रिकल। ये बड़ी काम की लाइन, अपवर्ड जर्नी एंड डाउनवर्ड जर्नी आर सिमेट्रिकल। जो जो ऊपर जाते में हो रहा है ना उसका उल्टा ठीक लौटते में हो रहा है। ये ब्रॉड स्टेटमेंट है, अभी मैं स्टेटमेंट को पूरा नहीं समझ रहा हूं, बस मैं इतना सा कह रहा हूं कि यार लौटते समय अगर 13579 है ना तो ऊपर जाते समय ये डिस्टेंस 97531। लिख दीजिए, सो डिस्टेंसेस इन अपवर्ड जर्नी, डिस्टेंसेज ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर्स, क्योंकि ये अपवर्ड जर्नी स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसी के बीच में बात कर रहा हूं। तो जब तक डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो रही तो डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट और स्पीड की जगह वेलोसिटी आप ले सकते हो। तो डिस्टेंसेज ट्रेवल्ड इन सक्सेसिव इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अपवर्ड जर्नी, डिस्टेंसेज ट्रेवल्ड इन सक्सेसिव इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम are in the ratio 97531। अगर लौटते समय 13579 है तो ऊपर जाते समय उसका उल्टा होगा, क्योंकि शुरू में स्पीड ज्यादा है। तो इसको मैं अगर ये मैं 1 बोल रहा हूं, ये वाला डिस्टेंस तो मैं सर्कल बोलेगा, ये थोड़ा मैंने ज्यादा ही दिखा दिया, 3 दिखा दिया, फिर थोड़ा और ज्यादा ही दिखा दिया, ये 5 हो गया। और बस ये एक और ज्यादा दिखा देता हूँ, ये और ज्यादा दिखा देता हूँ। ठीक, अब अपवर्ड जर्नी में इसको हम लोकेट करते हैं। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो पहले x डायरेक्शन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल है,
और वाई डायरेक्शन में ये 1, 3, 5, 7, 9 के रेशो में, तो ऊपर जाते समय ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, हो सकता हूँ यहाँ से और इससे प्रॉपर ऐसा मैं जैसा शेप आता है वैसा बना देता हूँ, तो पॉइंट्स यहाँ बात कर लेते हैं, पॉइंट्स वगैरह अकॉर्डिंगली चेंज कर लेते हैं, ये ऐसा ग्राफ आता है। और फिर लौटते समय बस इसी का जस्ट रेप्लिका आ जाएगा, लौटते समय पॉइंट यहाँ आ जाएगा। इसको मैं दूसरे तरीके से आपको बना के दिखाता हूँ, ज्यादा क्लियर रहेगा। ये पार्टिकल इतना आगे गया और इतना ऊपर गया, फिर ये इतना आगे गया और थोड़ा ज्यादा ऊपर गया, फिर ये इतना ही आगे गया और ज्यादा ऊपर गया। और अब मान लीजिए ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहां पर वो अगले सेकंड में इतना ही नीचे आया, फिर इतना आगे गया और इतना नीचे आया, फिर वो इतना आगे गया और इतना नीचे आया, और वो उतना ही आगे गया और नीचे अब कब आया, ये मैं कह रहा हूँ 1, 3, 5 और ये 5, 3, 1 अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी सिमेट्रिकल है ना। तो अब इसके हिसाब से हमारा कोई ग्राफ ऐसा फाइनली बन सकता है, ये पॉइंट्स, ये ऐसा कुछ यहाँ आ जाएगा, एक पॉइंट ये पॉइंट ऐसा कुछ ग्राफ आ जाएगा, इनको ज्वाइन करेंगे तो आपको फाइनली ग्राफ मिल जाएगा पार्टिकल का। और वो बहुत कुछ वैसे हमने सिखाना केवल आपको ये चाह, असली में तो असली काम की बात तो आपने एक ही सीखी, एक तो आपने ये रिवाइज किया कि एक्स डायरेक्शन में मोशन कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मोशन है तो इक्वल इंटरवल में इक्वल आगे बढ़ेगा, वो इस बीच ऊपर जा रहा है इससे एक्स डायरेक्शन का मोशन अफेक्ट नहीं हो रहा, और शुरू में वो ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, तो ऊपर इसके डिस्टेंसेस 9, 7, 5, 3, 1 के रेशो में होंगे और लौटते समय 1, 3, 5, 7, 9 के रेशो में। और सबसे बड़ी बात हमने जो नई सीखी जो इन जनरल काम आएगी कि पत्थर जब हम ऊपर फेंकते हैं तो अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी सिमेट्रिकल होती है। इस बात पे एम्फसाइज करने के लिए मैं आपको शायद एक अलग से क्वेश्चन दे ही दूं, फिलहाल मुझे अच्छा समझ में आ रहा है, फिलहाल ये बढ़िया समझ में आ रहा है कि भाई जो रिजल्टेंट पाथ बनेगा ये हमें बचपन से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से पता है कि हाँ ये रिजल्टेंट पाथ ऐसा ही बनेगा, ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है बस। अब इसने यही दिखाया भी है, इसने भी यही दिखाया है कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी अनचेंज है और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी इस तरह चेंज होती जा रही है। अगर यहाँ वी एक्स में ये बताऊं तो यहाँ भी वी एक्स नहीं रहेगा, यहाँ भी वी एक्स यही रहेगा और इवन यहाँ पे भी वी एक्स यही रहेगा, यहाँ पे भी वी एक्स यही रहेगा और मे बी यहाँ पे भी वी एक्स यही रहेगा और यहाँ पे भी वी एक्स यही रहेगा। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी में कभी कोई चेंज हुआ ही नहीं है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी में कभी कोई चेंज हुआ नहीं है, यहाँ पर वेलोसिटी भी वाई डायरेक्शन में इतनी थी पहले, फिर थोड़ी कम हो गई, फिर मे बी और भी कम हो गई और यहाँ तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी उसकी जीरो है, दिखा जरूर मैंने दी, मुझे नहीं दिखानी चाहिए थी, y डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी जीरो है और अब उसके मोशन की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, तो y डायरेक्शन में उसमें इतनी वेलोसिटी आ गई है, यहाँ ज्यादा वेलोसिटी आ गई है और यहाँ और भी ज्यादा वेलोसिटी आ गई, ये है मतलब स्पीड, ये भी y है सॉरी, ये बस यही कुछ उसने दिखाया है, ग्राफ यही दिखाया है बस। ये जो इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो थीटा है और फाइनली जो एंगल है वो जीरो है हाईएस्ट पॉइंट पे, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे, और यहाँ पे भी जो एंगल आएगा ना ये रिजल्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है यू और ये फाइनल वेलोसिटी है वी, और पूरी सिमेट्री के कारण यू का और वी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है और इनफैक्ट हॉरिजॉन्टल से बनने वाला ये एंगल भी सेम रहता है। लाइन अभी लाइन में लिख दीजिए और इस पे आप 5 स्टार दे दीजिए, ड्यू टू सिमेट्री द रिजल्टेंट स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑन लैंडिंग
रिजल्टेंट स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑन लैंडिंग ब्रैकेट में ऑन ग्राउंड जब वापस ग्राउंड पे पहुंच गई है इज सेम एज द रिजल्टेंट स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑन सेम ग्राउंड जिस स्पीड से आपने फेंका था उसी स्पीड से ये फाइनली नीचे आएगा और सबसे बड़ी बात है कि थीटा भी फाइनल और इनिशियल सेम रहेगा एंगल ऑन ग्राउंड विल बी सेम चाहे हम प्रोजेक्शन की बात करें चाहे लैंडिंग की बात करें सेम ग्राउंड पे कभी कभी ऐसा होता है आप छत से खड़े होकर पत्थर को फेंक रहे हो तो फिर वो ग्राउंड थोड़ा उसका डिफरेंट ग्राउंड हो गया आपने फेंका था अलग ग्राउंड से और पहुंचा अलग ग्राउंड पे हम लोग हमेशा सेम ग्राउंड की ही केवल बात करते हैं सो बस यही कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है वी एक्स मैंने लगातार सेम बनाया है डी वाई घटता जा रहा है और हाई एट अलग से फिर से लिख दीजिए आप पांच स्टार लगा के एट हाईएस्ट पॉइंट वी वाई इज जीरो हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई जीरो क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल और ऊपर जाती ना लिख दीजिए अदरवाइज ब्रैकेट में लिख दीजिए मतलब जब आप रिवाइज करेंगे पांच स्टार वाली बात केवल यही थी हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई जीरो है ब्रैकेट में ये सम एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है हर बार रिवाइज करने की नहीं होती है हर बार सिर्फ आपको फाइनल डिसीजन याद करना पड़ता है कि भैया हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है क्यों जीरो है वो एक दो तीन बार से ज्यादा काम की नहीं है क्योंकि अगर वेलोसिटी होती हाईएस्ट पॉइंट पे कुछ तो और ऊपर जाती अदरवाइज इट वुड हैव गॉन फर्दर हायर अप अगर हाईएस्ट पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी होती तो पत्थर और ऊपर जाता और ऊपर तो नहीं जा रहा है इसलिए हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी जीरो होती और ये ध्यान देने की फिर से वार्निंग भी लिख दीजिए एक वार्निंग लिख दीजिए और पांच स्टार भी लिख दीजिए एट हाईएस्ट पॉइंट इन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल ओनली वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हाईएस्ट पॉइंट है और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है तो केवल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो वेलोसिटी इज नॉट जीरो वेलोसिटी का मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं है हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं है क्योंकि वेलोसिटी तो वीएक्स और वी वाई से मिलकर बनती है और वीएक्स जीरो नहीं है अगर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती तो पत्थर वहां रुक जाता वीएक्स जीरो वीएक्स है तो आगे तो बढ़ ही रहा है ऊपर नहीं जा रहा है नीचे भी नहीं आ रहा है पर आगे तो बढ़ ही रहा है ऐसा गलत साफ साफ फिर से लिख दीजिए एट हाईएस्ट पॉइंट टोटल वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एक्स और हम फिर से लिखते हैं दोबारा पांच स्टार देते हैं ऐसे वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हर जगह यू कॉस थीटा है हर जगह हाईएस्ट पॉइंट पे भी अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो होती किसी भी मोमेंट के लिए तो उस मोमेंट पे वो आगे नहीं जाता और ऐसा कोई मोमेंट नहीं आया तो ये आप कंफ्यूज करते हैं शुरू शुरू के दिनों में कोई भी एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है एग्जाम को हिट करने के लिए समझने के लिए एक्सप्लेनेशन जरूरी होती है पर स्कोर करने के लिए थियोरी चाहिए ही नहीं है मेरे हिसाब से माय ओपिनियन कॉन्सेप्ट चाहिए ही नहीं फैक्ट चाहिए फाइनल कंक्लूजन नो एक्सप्लेनेशन हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई जीरो होता है वी एक्स यू कॉस थीटा होता है और टोटल वेलोसिटी भी यू कॉस थीटा होती है हम समरी लिख देते हैं हाईएस्ट पॉइंट वी वाई इज इक्वल टू जीरो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स है ना एंड वी इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप होती थी तो वी भी जो हो गया वो बस यू कॉस थीटा ही हो गया ये तो जीरो ही है हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो यू कॉस थीटा है एंड वी हाईएस्ट पॉइंट इज नॉट इक्वल टू जीरो ये आप गलतियां इतने बार समझाने के बाद भी करते ही रहेंगे हाईएस्ट पॉइंट पे आप अक्सर फाइनल वेलोसिटी को जीरो ले लेंगे अगर स्ट्रेट वर्टिकली ऊपर फेंका होता प्रोजेक्टाइल एंगल पे ना फेंका होता सीधे फेंका होता तो हाँ हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती ऐसा डैश करके लिखते हैं
इन वर्टिकल प्रोजेक्टाइल या इन इन M1D, अगर M1D का न्यूमेरिकल आप कर रहे हो, आज तो हम M2D पे हैं, मोशन टू डायमेंशन पे हैं, अगर आप M1D का न्यूमेरिकल कर रहे हो तो हाँ वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज़ 0। M1D में वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज़ 0 पर प्रोजेक्टाइल के चैप्टर में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, M2D में भी वाई हाईएस्ट पॉइंट पे कभी टोटल वेलोसिटी 0 होती ही नहीं है। M1D में तो ठीक है, गया उसी लाइन के अलॉन्ग गया और वहीं लौट के आ रहा है, वहां हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है ही नहीं कुछ भी। बड़ा ध्यान दीजिए, ये जो फाइनल फैसले हैं इन्हें खूब बार अपने आप से बोलिए तो आप स्कोर कर पाएंगे। एक्सप्लेनेशंस बार बार मत पढ़ते रहिए, किसी भी काम नहीं आएंगे। तो चलिए अब हम फाइनली आपको अभी हेड दे रहे टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। और मेरे लिए जैसे ही मैं ये मिलूंगा, ये पढ़ूंगा मैक्सिमम हाइट, तो बस मुझे तो एक ही बात ध्यान आएगी कि भाई यहाँ तो dy 0 है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट के टाइम की बात कर रहा है, इसलिए मैं वर्टिकल खाली वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन लिख लेता हूँ। आपको न्यूमेरिकल में सोचना पड़ेगा कि खाली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखूं या खाली वर्टिकल वाले 1D की इक्वेशन लिखूं या पूरी 2D की इक्वेशन लिखूं, ये आपके लिए असली चैलेंज रहेगा। तो यहाँ मैं शायद सिर्फ वर्टिकल मोशन डिस्कस कर रहा हूँ। समझ लीजिए, हियर वी आर कंसिडरिंग या वी रिक्वायर वर्टिकल मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल मोशन ओनली, खाली वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन की बात हम कर रहे हैं बस। ये M1D इन वाई डायरेक्शन की कोई इक्वेशन हम लिखने लिखने पड़ेगी, लिख दीजिए, वी विल हैव टू राइट सम इक्वेशन, विल हैव टू स्टार्ट विद सम इक्वेशन ऑफ M1D इन वाई डायरेक्शन। हम सिर्फ वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं। तो M1D इन वाई डायरेक्शन, M1D इन वाई डायरेक्शन की इक्वेशन कोई लिखेंगे? तो भाई मैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन सी इक्वेशन लिखूंगा, तो मैं तीनों लिख के देख लेता हूँ, ये भी लिख लेता हूँ, मैं ये भी लिख लेता हूँ और मैं ये भी लिख लेता हूँ। अब मैं टाइम की बात हो रही है इसलिए इसका तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि ना इसका टाइम आता ही नहीं है और मुझे टाइम चाहिए केवल। अच्छा, मुझे हाईएस्ट पॉइंट के बारे में एक इंफॉर्मेशन है कि वहां vy 0 होती है, तो मैं इस इक्वेशन को ही सबसे पहले यूज करना चाहूंगा। मैं ये भी ले सकता हूं, पर यहां वेलोसिटी का टर्म नहीं आ रहा, जो कि मुझे जानकारी प्राप्त है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है। मैक्सिमम टाइम और मैक्सिमम हाइट में या तो ही मेरे को मैक्सिमम हाइट दे दे तो मैं शायद इससे भी निकाल सकता हूँ। खैर एनीवे, हमने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं तो यही इक्वेशन यूज करूंगा और इस इक्वेशन में मैं ये जरूर बोलूंगा कि तुम मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हो तो मुझे पता है कि वी वाई 0 होता है, मैं 0 = u y - gt कहूंगा, u y = gt कहूंगा और टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट का जो टाइम है वो है u y/g यानी u sin theta/g, इसको हम ध्यान रख सकते हैं। छोटा सा डेरिवेशन है, चाहे तो शुरू में तो डेरिवेशन से ही इसे आप बार बार करें। हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में लगा समय साइन टाइम वो है u sin theta/g। हाईएस्ट पॉइंट या मैक्सिमम हाइट का जब भी नाम आए तो आप इस बात को जरूर अपने दिमाग में लोड कर लेना, तुरंत याद आना चाहिए vy = 0। आइए, मैक्सिमम हाइट मतलब पत्थर और ऊपर नहीं जा रहा है, और ऊपर नहीं जा रहा है। इसके बाद हम हेडिंग दे रहे हैं टाइम ऑफ स्लाइड, टाइम ऑफ स्लाइड मतलब जितनी देर तक पत्थर हवा में रहा। Time of flight, time for which projectile stays in air, और ये हम जरूर बताएंगे ground to ground, जिस ground से आपने पत्थर ऊपर फेंका था उसी ground पर इसे वापस लौटने में जो time लग रहा है हम उसकी बात करेंगे ground to ground। तो बस उसको तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ड्यू टू सिमेट्री,
ड्यू टू सिमेट्री टाइम ऑफ गोइंग अप, टाइम ऑफ गोइंग अप इज सेम एज टाइम ऑफ कमिंग डाउन. ऊपर जाने में जितना समय लग रहा है नीचे आने में भी उतना ही समय लग रहा है सिमेट्री के कारण. ये कह रहा है ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैराबोलिक पाथ, सिमेट्री है तो बस टोटल टाइम विल बी टी अप प्लस टी डाउन, तो टू इंटू टी अप हो जाएगा, ये टू यू वाई बाय जी हो जाएगा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है टू यू साइन थीटा बाय जी. ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए, आप इसे 5 स्टार दे दीजिए. टाइम ऑफ फ्लाइट सवाल में ध्यान से देखना पड़ेगा कि खाली आने के टाइम की बात कर रहा है कि खाली जाने के टाइम की बात कर रहा है कि टोटल टाइम की बात कर रहा है. जिसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं वो तो वो टोटल टाइम होता है जिस टाइम तक पत्थर ने हवा में स्टे किया है, ठीक है. ऊपर जाने में लगा समय का अगर आपको डेरिवेशन करना है तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी की इक्वेशन में वी वाई को जीरो डाल दीजिए. अगर हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में समय कितना लग रहा है या डिराइव करना चाहते हैं तो वी एम वन डी इन वाई डायरेक्शन में लूंगा वो जिसमें टी आता हो तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी लूंगा और हाईएस्ट पॉइंट पर वी वाई जीरो हो जाएगा तो टाइम हो जाएगा यू वाई बाय जी. और अगर टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए तो आना प्लस जाना तो टू यू वाई बाय जी, टू यू साइन थीटा बाय जी. ये याद करिए, ये हमें डायरेक्ट याद रहना चाहिए. अब आप चाहे तो आपको चाहिए तो आप डेरिवेशन का सहारा लीजिए. आइडियली तो हमें ये कंफ्यूज होते हैं अगर आप तो डेरिवेशन का सहारा लीजिए और धीरे धीरे तो हम चाहते हैं कि आपको इनके लिए डेरिवेशन ना करने पड़े. ये शुरू से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी. कुछ लोग जो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो इसे याद नहीं कर पाते हैं, ये मैं उनका ड्रॉबैक कहूंगा. हमें दोनों ही चाहिए, कंफ्यूजन आ जाए तो डेरिवेशन का सपोर्ट चाहिए और अदरवाइज हमें तो इसे फाइनल आंसर रटा हुआ रहे. अगर हाई स्कोर चाहिए तो फाइनल आंसर ज्यादा से ज्यादा आपको रटे रहने चाहिए और इतनी कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि अगर डाउट हो जाए तो आप डिराइव कर सको कम से कम छोटे छोटे डेरिवेशन. ये छोटे छोटे डेरिवेशन थे, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी. अगली हेडिंग है मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट का जो एनसीईआरटी ने डेरिवेशन किया है वो तो मैं नहीं करना चाहूंगा, वो भी कर दूंगा भले ही, पर मैं इसका ज्यादा बेटर डेरिवेशन तो यही करूंगा. फिर तो मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हो क्योंकि तुम हाइट की बात कर रहे हो इसका मतलब तुम वर्टिकल वाले मोशन को देख रहे हो. तो मैं वर्टिकल डायरेक्शन में एम वन डी की कोई सूटेबल इक्वेशन लिखूंगा और मुझे तो इक्वेशन पता है वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस टू जी वाई, क्योंकि तुमने टाइम की बात की नहीं है. जमीन से जब ये वाई हाइट पे है, जमीन से जब ये वाई हाइट पे है तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी इतनी हो. और अगर आप मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं तो वहां फिर से वी वाई को जीरो लिख दीजिए. जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस टू जी एच मैक्स, यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच मैक्स और इसके एच मैक्स का फॉर्मूला है यू वाई का स्क्वायर बाय टू जी, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय टू जी. एच मैक्स का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू. इस वाले फॉर्मूले में तो मैं चाहूंगा कि आप डेरिवेशन से ही इसे सपोर्ट करें. कंफ्यूजन आने लगता है नीचे टू है या नहीं, टाइम की तो बात है नहीं तो मैं वो इक्वेशन नहीं लूंगा जिसमें टाइम आता है. तो फर्स्ट और थर्ड मैंने जो इक्वेशन लिखी थी वो बची ही नहीं, यही इक्वेशन खाली बच रही है. और हाईएस्ट पॉइंट की अगर आप बात करें वाई को आप एच मैक्स इतना चाहते हैं तो बी वाई को जीरो लिखिए, इससे एच मैक्स का फॉर्मूला ये आ जाएगा जो कि ये भी हो जाएगा. हमें अल्टीमेटली तो इसी के 5 स्टार लगाने हैं और ये थोड़ा रिस्की फॉर्मूला है, लिख दीजिए रिस्की. सब ऑलवेज डिराइव, ये रिस्की फॉर्मूला है, इसे आप डिराइव ही करिए. स्टॉपिंग डिस्टेंस का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, स्टॉपिंग डिस्टेंस का यू स्क्वायर बाय 2a, ये वैसा ही है. जिस हाइट को ट्रेवल करने के बाद पत्थर रुक गया है वो स्टॉपिंग हाइट ही तो कहलाएगी, स्टॉपिंग हाइट. एच मैक्स इज स्टॉपिंग हाइट तो वो यू स्क्वायर बाय 2a है. तो आप यू को यू वाई लिख दीजिए यानी यू साइन थीटा और एक्सेलरेशन को जी लिख दीजिए.
स्टॉपिंग रुकने की जब भी बात करें, रुकने का जब भी मैसेज आ रहा हो क्वेश्चन में, तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला है यूज पर टू ए. इधर इधर वर्टिकल मोशन हो रहा है तो आप खाली वर्टिकल वेलोसिटी लेंगे तो यू वाई स्क्वायर बाय टू जी हो जाएगा वो. ऑलराइट, फिर आप हेडिंग दे दीजिए हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. बहुत प्यारा चीज उसने कहा है कि ये एक्स है, बहुत एनसीईआरटी में लाइन जो लिखी है वो बड़ी ही सुंदर है कि जो कि वापस ये वाई इज इक्वल टू 0 वाली लाइन से गुजरेगा, इस बीच जो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय कर लेगा. रेंज का इसने लिखा है व्हिच इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब खाली एक्स एक्सिस के अलावा. बहुत ही प्यारा इसने डेफिनेशन दी है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस from point of projection to the point where it crosses y is equal to 0. जैसा बोलता हूँ crosses the line y is equal to 0. y is equal to 0 मतलब x axis. जब इसका y जीरो हो जाएगा ना वापस, तो वापस से ग्राउंड पे गिर गया. उस दरमियान जो इसने हॉरिजॉन्टल दूरी तय की है, बहुत ही सुंदर डेफिनेशन है ये. हालांकि इन लाइंस पे इसने आगे डेरिवेशन किया तो नहीं है, इन लाइंस पे भी डेरिवेशन बड़ा प्यारा किया जा सकता था. रेंज के लिए मैं तो यही याद करना चाहूंगा, मैं जब भी जैसे मैक्सिमम हाइट के लिए कहते ना कि अभी y जीरो है, ऐसे ही जब पार्टिकल वापस ग्राउंड पे आ जाता है तो अब ये ध्यान रख लीजिए, मजेदार बहुत ही प्यारा डिस्कशन रहेगा कि y is equal to 0. लिख दीजिए इंपॉर्टेंट समरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो गेम चेंजर पॉइंट्स हो जाएंगे, जो न्यूमेरिकल में अगर आपको याद हो गए, याद आ गए टाइम पे, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वही की कॉन्सेप्ट बन जाते हैं. एक नंबर वन पॉइंट तो ये लिख दीजिए कि वेन एवर क्वेश्चन टॉक्स अबाउट हाइएस्ट पॉइंट और स्टॉपिंग, जब भी क्वेश्चन हाईएस्ट पॉइंट की बात करता है या स्टॉपिंग की बात करता है, वी वाई इज इक्वल टू 0. कहीं ना कहीं आपको इस बात को, इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा कि वी वाई इज इक्वल टू 0. सर रिपीट कर दीजिए. व्हेनेवर क्वेश्चन टॉक्स अबाउट स्टॉपिंग पॉइंट, जब भी क्वेश्चन स्टॉपिंग पॉइंट की बात, हाईएस्ट पॉइंट की बात करता है, हाईएस्ट पॉइंट की बात करता है या स्टॉपिंग की बात करता है, यू विल हैव टू मेक यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन. आपको इस जानकारी का उपयोग करना ही पड़ेगा कि भाई वी वाई इज इक्वल टू 0. आपको इस जानकारी का उपयोग करना ही पड़ेगा कि वी वाई इज इक्वल टू 0. जैसे ही मैसेज में कहीं भी बात आती है हाईएस्ट पॉइंट, तो आपको ये लेना ही पड़ेगा कि वी वाई इज इक्वल टू 0. और इसी तरह से नंबर टू डाल के लिख दीजिए कि वेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल्स बैक टू द ग्राउंड, जब भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे है, चाहे वो फेंकते समय चाहे लौटते समय, y is equal to 0. जब ये ग्राउंड पे है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ना भाई, हॉरिजॉन्टल प्लेन से तो आप हाइट नापते हैं ना, इसकी हाइट 0 है ना, y is equal to 0. तो हॉरिजॉन्टल रेंज का एक सुंदर डेरिवेशन मैं इसी बात पे कर रहा हूं कि y 0 है. इन्होंने एनसीईआरटी का मेथड में इसके बाद कराऊंगा, पहले तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि भाई y का फॉर्मूला होता है x tan theta minus half g x square by u square cos square theta. अगर y is equal to 0 आप डालते हैं यहाँ पे, ग्राउंड की बात कर रहे हैं तो x को r डालिए. अगर ऑब्जेक्ट वापस ग्राउंड पे आ गया है तो उसका y 0 है. अगर y को आप इस इक्वेशन में 0 डाल रहे हैं तो x के जगह r लिखिएगा, r is equal to सर आपकी वीडियो ऑफ हो गई है सर, माइक भी ऑन.
भाई डेरिवेशन का एक तरीका है, रेंज की डेरिवेशन का एक तरीका है कि ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन में आप जब y को जीरो डाल रहे हैं तो x को r डाल दीजिए। मैं आपसे बोलता हूं कि अगर ये पॉइंट 0,0 है ना, तो ये पॉइंट 0,r है, नहीं r,0 है, ये इस डिस्टेंस को r कह रहे हैं ना, तो इस जगह x की वैल्यू r हो गई। लैंडिंग पॉइंट पे रेंज x की वैल्यू r है और y की वैल्यू 0 है। इससे जो आंसर अभी आएगा सॉल्व करके वो मैं अलग से प्रूव कराता। रेंज की मैं एक डेफिनेशन और भी दे सकता हूं। देखिए एनसीईआरटी डेरिवेशन, एनसीईआरटी ने जो डेरिवेशन दिया वो बात करते हैं, एनसीईआरटी डेरिवेशन। और मैं आपको इसमें एक बड़ी सुंदर बात बताना चाहता हूं वंस अगेन, कि जब भी आपको रेंज निकालनी तो आप ये कहिएगा कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। और पूरे प्रोजेक्टाइल के चैप्टर में कभी भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना बड़ी ही आसान बात है, दैट इज द इजीएस्ट थिंग टू डू। ऐसा पहले आप लिख दीजिए, रेंज इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, रेंज जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। एंड कैलकुलेशन ऑफ रेंज इन दिस चैप्टर, कैलकुलेशन ऑफ रेंज इन दिस चैप्टर, सॉरी कैलकुलेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कैलकुलेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन दिस चैप्टर इज द इजीएस्ट थिंग टू डू। कैलकुलेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन दिस चैप्टर इज द इजीएस्ट थिंग टू डू बिकॉज इट इज अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मोशन, बिकॉज मोशन इन एक्स डायरेक्शन इज अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मोशन। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है तो फिर तो बल्ले बल्ले, सिटी बजाओ नाचने लगो वहीं पर आ, तो भाई मेरे को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, नो इश्यूज एट ऑल, दिस विल नेवर फेल। इसमें एक ही बात जरा ध्यान से देखनी पड़ती है कि कितने टाइम में, ये तो स्लू कॉस थीटा ही है, ऐसा लिख दीजिए इन दीस क्वेश्चंस देयर इज ओनली वन थिंग यू हैव टू थिंक ऑफ। इन न्यूमेरिकल्स में हमें एक ही चीज के बारे में सोचना है और वो है द करस्पॉन्डिंग टाइम, जिस टाइम में आप एक्स निकालना चाहते हैं उस टाइम के बारे में न्यूमेरिकल में आपको सोचना है। यहां पे अगर आप रेंज निकाल रहे हो जिस टाइम को आप टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हो वो लीजिए, इस पूरे टाइम में इसने जो हॉरिजॉन्टल दूरी तय की ग्राउंड टू ग्राउंड वापस गिरने में, उस पूरे दरमियान ये आगे बढ़ता रहा, जब तक ये नीचे गिर नहीं गया, चाहे ऊपर जा रहा था चाहे नीचे आ रहा था, ये आगे तो बढ़ ही रहा था। तो उस एंटायर जर्नी में जो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमें चाहिए, यू एक्स और ये है टू यू वाई, वैसे आना प्लस आना मिला। तो रेंज का एक फॉर्मूला कभी कभी मैं ये भी यूज करना चाहूंगा, ये एनसीईआरटी में दिया तो नहीं है, कभी कभी आपकी हेल्प कर सकता है, इसलिए मैं इसे 4 स्टार तो दूंगा कम से कम। रेंज का फॉर्मूला ये जब छोटा सा डेरिवेशन है, पहली बात तो ये आपको बोल के नाचना है कि भाई रेंज इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सिवाय टाइम के। फिलहाल हम जिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं उस के करस्पॉन्डिंग टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, उसका फॉर्मूला हमें पता है। तो रेंज का फॉर्मूला ये आ गया, तो यू एक्स वाई बाय जी, अब जरूर हम इसमें वैल्यू डाल देंगे। रेंज का फॉर्मूला है यू एक्स इंटू टी, तो है यू कॉस थीटा इंटू टू यू साइन थीटा बाय जी। ये यू और ये यू, पहले मैं टू बाहर ले आता हूं, ये टू बाहर आता हूं, तो यू स्क्वायर इंटू टू साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा लिख दो, यू ये यू और ये यू स्क्वायर हो गया, और फिर टू साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। तो रेंज का जो फॉर्मूला है वो हो गया यू स्क्वायर और टू साइन थीटा कॉस थीटा थीटा होता है साइन टू थीटा बाय जी। तो रेंज का फॉर्मूला हो गया यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। हाँ, इस पे हम 5 स्टार दे अलग से हमने ये भी सीखा कि साइन टू थीटा का फॉर्मूला टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है। अपेंडिक्स A5 में हमने साइन ए प्लस बी जहाँ पढ़ा था वहां ये बात आई थी, ए और बी को बराबर ले लीजिए आप। साइन टू थीटा का फॉर्मूला फिर आपको याद रखना बहुत ही आवश्यक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे नहीं, बहुत थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट।
सो फिलहाल तो रेंज के फॉर्मूले पे ही अपना सारा ध्यान फोकस केंद्रित कर दीजिए, फिलहाल रेंज के फॉर्मूले पे ही अपना सारा ध्यान केंद्रित कर दीजिए आप इसमें। अगर कंप्लीट समरी अभी तक हम इसकी बना ले तो हमने जो प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल्स के लिए कंप्लीट समरी शायद मैं बना रहा हूं, एक तो ये होगा, एक वाई होगा, ये एक्स निकालना हो वाई निकालना हो फिर वाई इज इक्वल टू ये कंप्लीट समरी। इसके बाद हम बात कर रहे हैं टाइम अप इज इक्वल टू टाइम डाउन इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाय सी, कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इसको यू साइन थीटा बाय सी एट हाईएस्ट पॉइंट डी वाई इज इक्वल टू जीरो एट ग्राउंड वाई इज इक्वल टू जीरो और एच मैक्स का जो फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट वो स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है यू स्क्वायर बाय 2g वो है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g और फाइनली रेंज का फॉर्मूला है फॉर्मूले रेंज का फॉर्मूला है 2ux ux uy बाय g या फिर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। ये कंप्लीट मेरे ख्याल से चैप्टर के बस कितने ही फॉर्मुलों पर बेस्ड न्यूमेरिकल कोई आपको आ सकता है। दिस इज कंप्लीट समरी। प्रोजेक्टाइल में काफी सारी मैथमेटिक्स है और इसलिए थोड़ा टफ चैप्टर माना जाता है। यदि इसको आपने जीत लिया तो शायद आपका न्यूमेरिकल से डर निकल जाएगा। ये फॉर्मुले सामने रखिए, साथ में बैठ के इसके न्यूमेरिकल करते रहिए, छोटे छोटे सिंगल लाइनर छोटे सवाल। एक वार्निंग यही लिख दीजिए वार्निंग लास्ट के We tend to get confused in the formula of Hmax and R. बाकी तो आसान है, शायद Hmax में और R में ही आप confused होंगे। ये थोड़े बड़े-बड़े formula, ये बड़े-बड़े formula हैं, तो they should be supported by derivation initially. शुरू में आप इन्हें derivation से जरूर support करिए। और एक इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखिए कि हाइट के फॉर्मूले में नीचे 2 आता है। आप पत्थर ना अगर ऊपर फेंकने की कोशिश करते हो ना तो ज्यादा ऊपर फेंक नहीं पाते। हाँ, आप पत्थर को ज्यादा सामने तो फेंक सकते हो। याद कराने का तरीका है, थोड़ा बहुत सही भी है, कि रेंज जो है वो ज्यादा आती है, हाइट मैक्स जो है वो कम आती है, इसलिए डिनोमिनेटर में इसका 2 आएगा। एच मैक्स के फॉर्मूले में नीचे 2 नहीं आएगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस के फॉर्मूले में तो वैसे भी यूज कर पे 2a आता था ना, वो एक बात लिख दीजिए कि here h max is less than r। आप पत्थर को ज्यादा ऊपर नहीं फेंक सकते, आप ऊपर फेंक रहे हो मतलब ऊपर वाले की तरफ फेंक रहे हो, तो आपका पत्थर ज्यादा ऊपर जा ही नहीं पाएगा। एंड देयरफॉर देयर इज अ टर्म ऑफ 2 इन द डिनोमिनेटर। आप h max के फॉर्मूले में नीचे 2 आता है, इस बात का ध्यान रखा जाए। h max के फॉर्मूले में 2 आता है डिनोमिनेटर में, उसको जरा अच्छे से आप ध्यान रखें। एंड दैट इज ऑल फॉर नाउ।